दोस्तों सब्सक्राइब करो अर्निंग बाबा को और अर्निंग बाबा के वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए इस बेल बटन को क्लिक करो। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो बात बताने वाला हूं। पहला, अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं या फिर कोई बिजनेस चलाते हैं, जैसे जिम, अपना शॉप, पार्लर, बुटीक, डांसिंग क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, या फिर कोई भी बिजनेस आप चलाते हो और आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस का एक अपना वेबसाइट हो और आप अपने बिजनेस का एक वेबसाइट खुद से बनाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि आज के इस ऑनलाइन के जमाने में हर बिजनेस का ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। या हो सकता है आप एक डांसर हो सकते हैं, आप एक सिंगर हो सकते हैं, एक फोटोग्राफर हो सकते हैं या फिर एक मॉडल हो सकते हैं और आप अपना एक खुद का वेबसाइट खुद से बनाना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 100 रुपए में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना एक वेबसाइट सिर्फ 100 रुपए में कैसे बना सकते हैं और इसके लिए आपको किसी भी तरह का टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। मैं जो सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूं, आप बस इसे फॉलो करें और बस 5 मिनट में आप एक वेबसाइट बना लेंगे और वो भी वेबसाइट बिल्कुल प्रोफेशनल लुक के साथ, एक ब्यूटीफुल डिजाइन, रिस्पॉन्सिव, जो कि आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर हर जगह से ओपन हो जाए, ऐसा वेबसाइट। इस वेबसाइट को बनाने के लिए आपको अपने बिजनेस का नाम, जिसे कि डोमेन कहते हैं, बस उसे परचेस करना है, जिसका कॉस्ट सिर्फ 100 रुपए है। तो बस 100 रुपए इन्वेस्ट करके आप अपने खुद का वेबसाइट खुद से बना लेंगे। दूसरी बात, अगर आप किसी तरीके का बिजनेस नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि मंथली 15,000 से 20,000 से 25,000 पर मंथ कमाना चाहते हैं, तो वेबसाइट बना करके आप इजिली 20,000 से 25,000 रुपए कमा सकते हैं। तो कैसे कमा सकते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और आपको पता चल जाएगा कि आप अपना खुद का वेबसाइट कैसे बना सकते हैं और वेबसाइट बना करके 20,000 से 25,000 रुपए आप कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आप 100 रुपए में अपना खुद का वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फिर, तो सबसे पहले आपको अपने वेबसाइट के लिए एक नाम परचेस करना होगा, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में डोमेन कहते हैं। तो आपको एक डोमेन परचेस करना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, आप वहां पर क्लिक करके पहले डोमेन परचेस कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डोमेन कैसे परचेस किया जाता है। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को जब आप क्लिक करके खोलेंगे तो ये पेज खुलेगा। यहां पर आपको अपना वेबसाइट का नाम यहां पर लिखना होगा। तो मैं earningbaba.com परचेस करके आपको बताता हूं कि आप अपना डोमेन कैसे परचेस कर सकते हैं। यहां पर अपना डोमेन का नाम को टाइप कीजिए, ये डोमेन का नाम अवेलेबल है। अब आप गो पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए आपको 299 चार्ज कर लिया है, तो इसे यहां से डिलीट कर दीजिए। और नीचे प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। तो डोमेन का ऑफर को पाने के लिए चलिए एक न्यू अकाउंट बना लेते हैं। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कीजिए। दोस्तों ये बिग रॉक का ऑफर है। बिग रॉक में आप जब फर्स्ट डोमेन खरीदते हैं तो आपको सिर्फ 99 रुपीज पे करना होता है। आपको 99 रुपीज में डोमेन तभी मिलेगा जब आप न्यू ईमेल आईडी से न्यू अकाउंट बनाकर बिग रॉक से डोमेन परचेस करेंगे, जो कि टैक्स के साथ आपको करीब 114 रुपए के आसपास पड़ेगा। आपको ये डोमेन हर साल रिन्यूअल करना पड़ता है और रिन्यूअल करने के लिए आपको 640 रुपए पे करना पड़ता है हर साल। बिग रॉक का इस फॉर्म को फिलअप करके आप अकाउंट बना लीजिए। अपना नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, अपना मोबाइल नंबर, अपना कंट्री, स्टेट, अपना पिन कोड, नीचे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। योर ऑर्डर समरी ₹735 के पास जो एडिट देख रहे हैं उस एडिट पर क्लिक कीजिए। बिग रॉक का इस ₹99 डोमेन के ऑफर के लिए आपको यहां पर एक कूपन कोड डालना होगा। देखिए मैंने यहां पर एक कूपन कोड डाला है BRHYUTVBCOM और यहां पर चेक कर दीजिए आई एम नॉट रोबोट, और इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए स्ट्रीट साइन और ये देखिए कूपन अप्लाई हो रहा है। आपको डोमेन ₹99 में मिल गया, जो कि टैक्स के साथ 113 रुपए के आसपास पड़ रहा है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ कूपन कोड मिलेंगे, आप डोमेन ₹99 में परचेस करने के लिए उस कूपन कोड्स का यूज कर सकते हैं। नीचे प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पेमेंट ऑप्शन है, आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वीजा, मास्टर कार्ड या फिर जो भी आपको अच्छा लगे उसमें से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं वीजा, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता हूँ और उसे सेलेक्ट करने के बाद नीचे पे नाउ पर क्लिक कर दीजिए।
इन कूपन कोड से आपको डोमेन ₹99 में तभी मिलेंगे जब आप बिग रॉक में न्यू अकाउंट बनाएंगे। और ये बिग रॉक का अभी ऑफर है जो कि आपको ₹99 में डोमेन दिया जा रहा है। हो सकता है ये ऑफर समाप्त कर दिया जाए। अगर बिग रॉक ऑफर को समाप्त कर देता है तो आपको डोमेन परचेस करने में ₹640 से ₹700 के आसपास पड़ सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में जो कूपन कोड्स दे रहा हूँ अगर उनको यूज करने के बाद भी आपको डोमेन ₹99 में नहीं मिलता है तो इसका मतलब बिग रॉक उस ऑफर को बंद कर दिया है। अपने डोमेन का पेमेंट करने के लिए आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। नेम ऑन कार्ड, आपके क्रेडिट कार्ड में जो भी नाम होगा उसको यहाँ पर लिखना होगा। अपना एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिएगा, कंट्री, स्टेट, अपना सिटी, पिन कोड, अपना ईमेल आईडी, कंट्री कोड, अपना फ़ोन नंबर और नीचे में पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आपका कार्ड का नंबर डाल देना है यहाँ पर, आपका कार्ड का एक्सपायरी डेट और नीचे में CVV नंबर। और सारा फॉर्म को फिलअप करने के बाद नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आपके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाता है। डोमेन परचेस करने के बाद आपको आपके डोमेन के लिए एक एडमिन पैनल मिलता है जहां पर डोमेन का बाकी सेटिंग करना पड़ता है। तो चलिए अब वेबसाइट को कैसे बनाना है बना लेते हैं। सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउजर पर जाकर blogger.com ओपन कीजिए और अपने जीमेल के ईमेल आईडी और पासवर्ड से blogger.com में लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप जो बटन देख रहे हैं न्यू ब्लॉग, उस पर क्लिक कीजिए। आप यहां पर टाइटल में अपने ब्लॉग का नाम लिख लीजिए और नीचे में एड्रेस बार पर अपने ब्लॉग का एड्रेस लिख लीजिए। यहां पर ये अवेलेबल है क्रिएट ब्लॉग, ये आपका फ्री ब्लॉगस्पॉट ब्लॉग बन गया। अब इस ब्लॉगस्पॉट ब्लॉग का कस्टम डोमेन सेटिंग करना है। सबसे पहले सेटिंग में जाइए, उसके बाद सेटअप द थर्ड पार्टी URL फॉर योर ब्लॉग पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप अपना डोमेन नेम जो कि आप ऑलरेडी परचेस किए हैं उसको यहाँ लिख दीजिए। मैं अपना डोमेन यहाँ लिख दिया और सेव बटन पर क्लिक कीजिए। ये रहा कस्टम डोमेन कैसे सेटिंग करना है, इसका सारा प्रोसेस आपके सामने आ गया। ये दो होस्ट और ये दो डेस्टिनेशन, ये फर्स्ट वाला होस्ट और डेस्टिनेशन सबके लिए सेम होता है पर दूसरा वाला होस्ट और डेस्टिनेशन हर एक डोमेन के लिए अलग होता है। तो दूसरा वाला होस्ट और डेस्टिनेशन आपके डोमेन के लिए अलग होगा। इन दो होस्ट और डेस्टिनेशन से आपको अपने डोमेन के DNS मैनेजमेंट में जाकर दो CNAME रिकॉर्ड बनाना है। तो चलिए अपने डोमेन के कंट्रोल पैनल में जाकर डोमेन के DNS मैनेजमेंट में दो CNAME रिकॉर्ड बना लेते हैं। आप अपने डोमेन के कंट्रोल पैनल में लॉगिन कर लीजिए, फिर DNS मैनेजमेंट में क्लिक कीजिए और फिर मैनेज DNS में क्लिक कीजिए। यहां पर आप CNAME रिकॉर्ड में क्लिक कीजिए और फिर ऐड CNAME रिकॉर्ड में क्लिक करके दो CNAME रिकॉर्ड बना दीजिए। ETL में 144000 हर जगह सेम रहेगा। अब दूसरा CNAME रिकॉर्ड बना लीजिए। अब हमें 4 IPs से 4 A रिकॉर्ड बनाना है। सेटिंग इंस्ट्रक्शन में क्लिक कीजिए, यहां पर आपको 4 IPs मिलेगी
और उन चार आईपीस से चार ए रिकॉर्ड बनाना है। हाँ, यही वो चार आईपीस है। इन चार आईपी से चार ए रिकॉर्ड बना लेने के बाद हमारा काम हो गया। अब आपका फ्री ब्लॉगस्पॉट ब्लॉग कस्टम डोमेन के लिए तैयार है। फिर से अपने ब्लॉग के सेटिंग पेज में आइए और 30 मिनट्स वेट करने के बाद सेव बटन को क्लिक कीजिए, क्योंकि इस डीएनएस सेटिंग को एक्टिव होने में कुछ वक्त लगता है। आपका सेटिंग सेव हो गया, बस एक काम बचा है। रिडायरेक्ट चेकबॉक्स में चेक कर दीजिए और नीचे सेव बटन क्लिक कर दीजिए। आपका सेटिंग कंप्लीट हुआ। ये रहा, देखिए आपका ब्लॉग अब एक कस्टम डोमेन में है। इसमें कोई भी ब्लॉग स्पॉट नहीं है। अब इस ब्लॉग को एक प्रोफेशनल ब्लॉग की तरह डिजाइन दे देते हैं। ऐसा डिजाइन जो रिस्पॉन्सिव भी हो और आपके कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टैबलेट सब में ऑटोमेटिक फिट हो जाए। इसके लिए आप गूगल में सर्च कीजिए ब्लॉगर रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स। आपको बहुत सारे फ्री रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स मिल जाएंगे ब्लॉगर के। आपको जिसका डिज़ाइन भी अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग पर। जी हाँ, यहाँ डिज़ाइन देख लीजिए आप, यहाँ बहुत सारे डिज़ाइन हैं, सारा फ्री है। मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो मैं इसे चुनता हूँ। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये फाइल जिप में है तो आप पहले इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। उस फाइल पे कर्सर रख के राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कीजिए, ये ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। हम ये XML फाइल जो है, इस XML फाइल का यूज करेंगे अपने ब्लॉग पर। ये सारा कोड को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे कॉपी करने के बाद आप अपने ब्लॉग पर आइए, टेम्पलेट में क्लिक कीजिए, ये पहले से जो कोड है इसे डिलीट कर दीजिए और उस कोड को इस पर पेस्ट कर दीजिए। ऊपर में सेव टेम्पलेट बटन पर क्लिक कीजिए। अब चलिए देखते हैं आपका ब्लॉग का डिज़ाइन। देखिए इसका डिज़ाइन बिल्कुल चेंज हो गया है, अब ये एक प्रोफेशनल ब्लॉग की तरह लग रहा है। अब इस ब्लॉग पर पोस्ट कैसे करना है चलिए सीख लेते हैं। न्यू पोस्ट, इस बटन से आप नया पोस्ट कर सकते हैं। इसे क्लिक कीजिए, यहाँ से आप पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने पोस्ट का टाइटल लिख दीजिए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अपने पोस्ट का। इस तरीके से आप अपने पोस्ट पर लिंक लगा सकते हैं। अगर आप अपने पोस्ट पर फोटो इमेज लगाना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपने कंप्यूटर से इमेज या फोटो अपलोड कर सकते हैं। ये फोटो अपलोड हो गया। आप इस इमेज का साइज लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम कर सकते हैं। आप अपने पोस्ट का फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये मैंने ब्लू कर दिया। और पब्लिश बटन पर क्लिक करके आप अपने पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं अपने ब्लॉग पर। चलिए अब अपना पोस्ट को देख लेते हैं।
ये रहा हमारा पोस्ट जिसको अभी हमने किया। अब जितना भी पोस्ट कीजिएगा आपको यहां पर वो शो करेगा। पेजेस से आप अपने ब्लॉग पर स्टैटिक पेज बना सकते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट अस पेज, और इस पेज पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालकर आप इसे पब्लिश कर सकते हैं। चलिए एक और पेज बना लेते हैं, अबाउट अस पेज, और अपना अबाउट अस लिखकर आप पब्लिश कर दीजिए। तो जैसे आप देख रहे हैं आपके वेबसाइट के मेनू होम, अबाउट अस में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो हम जो अभी अबाउट अस पेज बनाएं उस पेज का लिंक को वेबसाइट के मेनू से कैसे लिंक करें ताकि अबाउट अस पर क्लिक करने पर वो अबाउट अस वाला पेज आ जाए जो कि अभी हमने बनाया। तो इसके लिए आपको अपने वेबसाइट के एडमिन पैनल में ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं टेम्पलेट, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर एडिट HTML पर क्लिक कीजिए। यही सारा कोड है आपका वेबसाइट का। इस कोड में से आपको अबाउट अस को फाइंड करना होगा। चलिए पेजेस को भी ओपन कर लेते हैं ताकि उसको लिंक कर सके। तो कोड में से अबाउट अस को फाइंड करने के लिए अपने कीबोर्ड में कंट्रोल F दबाएं। तो यहाँ देखिए एक सर्च बॉक्स आ जाता है। इस सर्च बॉक्स में आपको अबाउट अस टाइप करना होगा और इंटर दबाना होगा, और जैसे आप इंटर दबाएंगे आपके सामने वो अबाउट अस वाला कोड आ जाएगा। ये देखिए अबाउट अस कोड। यहीं पर आपको उसका स्पेलिंग को भी ठीक करना है जो रॉन्ग था, और आप जो हैश देख रहे हैं इस हैश में आपको अबाउट अस पेज का लिंक को पेस्ट करना होगा। तो चलिए पेज में चलते हैं और अबाउट अस पेज से उसके लिंक को कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के लिए जो आप व्यू देख रहे हैं व्यू पर कर्सर को रखिए और कॉपी लिंक एड्रेस कीजिए राइट क्लिक करने के बाद। तो लिंक कॉपी हो गया और इसी लिंक को अब हमको हमारे वेबसाइट के कोड में जो अबाउट अस है अबाउट अस के बगल में जो हैश है उस हैश को डिलीट करने के बाद उस लिंक को वहां पर पेस्ट करना होगा। तो पेस्ट कर देते हैं और ऊपर में जो हम देख रहे हैं सेव टेम्पलेट ऑरेंज कलर का बटन, उस सेव टेम्पलेट बटन पर क्लिक करना होगा, और जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा कोड सेव हो जाता है। अपना वेबसाइट में देखते हैं अबाउट अस पेज क्लिक करने पर अबाउट अस पेज ओपन होता है या नहीं। तो अबाउट अस पर क्लिक किए और ये देखिए आपके सामने अबाउट अस पेज खुल गया। आप इस अबाउट अस पेज में अपने वेबसाइट के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, अपने बिजनेस के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिए नीचे में कमेंट एज है, एक कमेंट बॉक्स बन जाता है पेज में। अगर आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट में कमेंट बॉक्स ना रहे तो इसके लिए सेटिंग करना होगा एडमिन पैनल में। तो चलिए कमेंट बॉक्स को हाइड कर देते हैं। अपने वेबसाइट के एडमिन पैनल पर जाएं और यहाँ पर आप जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं सेटिंग, उस पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद जो आप सेकंड नंबर पर देख रहे हैं पोस्ट कमेंट एंड शेयरिंग, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ जो आप देख रहे हैं कमेंट्स, उसमें एम्बेडेड लिखा हुआ है, तो उस एम्बेडेड को हटाकर आप हाइड जो देख रहे हैं हाइड को क्लिक कीजिए। जो राइट साइड में आप ऑरेंज बटन देख रहे हैं सेव सेटिंग, उस सेव सेटिंग ऑरेंज बटन पर क्लिक करके सेव कर दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं अबाउट अस पेज में कमेंट बॉक्स हटा या नहीं। तो अबाउट अस पेज को रिफ्रेश करने पर हम देखते हैं कि कमेंट बॉक्स यहां से हट गया है। दोस्तों अगर आपको इस वेबसाइट को बनाने में किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। तो वेबसाइट बनाना तो हम सीख लिए, अब आपको बताते हैं कि आप वेबसाइट बनाकर 20,000 से 25,000 रुपए कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही है कि आज के ऑनलाइन के जमाना में हर कोई अपना वेबसाइट बनाना चाहता है, और मार्केट में 8 पेज का वेबसाइट का चार्ज 5,000 रुपए है। तो अगर आप मार्केट में थोड़ा विजिट करते हैं और दूसरों का वेबसाइट बना के देते हैं कुछ कम रेट में, जैसे आप अगर 3,000 रुपए में या फिर 4,000 रुपए में वेबसाइट बनाकर देते हैं तो आपको वेबसाइट का ऑर्डर जरूर मिल जाएगा। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस ये अपना वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट करें और 3,000 रुपये में अगर उनका वेबसाइट बना के दे तो आपको ज़रूर ऑर्डर मिल जाएगा,
और आप इजीली पर मंथ 5 से 6 वेबसाइट बना ही लेंगे। एक वेबसाइट बनाने में आपको खर्च सिर्फ 100 रुपए होगा और बाकी सारा आपका प्रॉफिट होगा। एक वेबसाइट बनाने में हार्डली आपको 5 से 10 मिनट या फिर बहुत ज्यादा तो आधा घंटा लगेगा, और आधा घंटा में आप इजीली 3,000 रुपए कमा लेंगे। वेबसाइट के रिन्यूअल के लिए भी आप पर ईयर 3,000 रुपए या फिर 4,000 रुपए चार्ज कर सकते हैं। आपको रिन्यूअल करने में सिर्फ 640 रुपए का खर्च होगा और आप ईयरली 3,000 से 4,000 रुपए चार्ज कर सकते हैं। मार्केट में वेबसाइट का रिन्यूअल चार्ज 5,000 रुपए है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें।